मैं डॉक्टर रवि महाजन हाँ जी। मैं अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का चीफ प्लास्टिक सर्जन हाँ। अजकल ये देखा गया है कि जोड़ा मूँह का कैंसर है वो बहुत कॉमन हो गया है, और जो इस कैंसर का इलाज किया जाता है तो बहुत बारी थानू जोड़ा वै काफ़ी सारा मास तो जबड़े का भी कुछ हिस्सा जोड़ा कटना पैदा, सो वो कैंसर ख़त्म करने वास्ते जरूरी होंगे। सो ये पार्ट जोड़ा है वो आम तौर पर कैंसर सर्जन द्वारा किया जाता है, लेकिन वो जो पार्ट कढ़ता जाता है तो वो बहुत जरूरी है कि वह पार्ट को दोबारा बनाया जाए, तो वो प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत ही अहम रोल है। और अजकल माइक्रोवास्कुलर सर्जरी जो कि लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नीक है इस तरह के केसिस दे विच रीकंस्ट्रक्शन वास्ते वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अमनदीप हॉस्पिटल दे विच साड़ी एक तो टीम है जिदे च कैंसर सर्जन तो इलावा प्लास्टिक सर्जरी टीम है जिहड़ी कि इदां दे पार्ट जदों कढ दित्ते जांदे आ ते उहनां दी रीकंस्ट्रक्शन करती है। और खासकर जड़ा जबड़ा जदों इनवॉल्व हुंदा है ते जे वो जबड़े नूं दुबारा ना बनाया जावे ते उहदे नाल इक तां मरीज़ दी जिहड़ी फेस दी शेप है वह बहुत बिगड़ जाती है, जिहदे करके मरीज़ नूं जिहड़ा वै सोसाइटी दे विच मूव करना जिहड़ा वह मुश्किल लगता है। सो हुण असी जिहड़ा वै लेटेस्ट टैक्नोलॉजी यूज़ करके जिहनूं कि कैड कैम टैक्नोलॉजी कहिंदे आ जिहड़ी कि एक 3D रीकंस्ट्रक्शन जिहड़ी जॉ दी है वो एक लत दी एक हड्डी जिहड़ी फिबला जिहनूं कहिंदे आ फिबला नूं लै के ते बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जैक्ट शेप जिहड़ी है वो बनाई जा सकती है। उस दे इलावा तुसीं ईवन जिहड़े दंद है उहनां नूं वी उहदे विच इम्पलांट कर सकते हो। सो मॉडर्न माइक्रोसर्जरी दे नाल कैंसर तो बाद दोबारा तो फेस दी शेप उस तरह बनाना और जबड़ा जड़ा है उन्हूं दोबारा तो सेम शेप दे विच बनाना जड़ा है वो पॉसिबल हो गया। और इस तरह का एक पेशेंट जिहदे च असीं इस तरह का एक ऑपरेशन किया सी उहदा टेस्टीमोनियल तुहाडे सामने है, तो जिहदे तों कि तुसीं देख सकते हो कि किस तरह जड़ा वै एक जिहड़ी मॉडर्न टेक्नीक दी सर्जरी है उहदे नाल पेशेंट दी जिहड़ी शेप है उन्हूं बरकरार किया जा सकता है, उहदा जॉ जिहड़ा दोबारा बनाया जा सकता है और उन्हूं जिहड़ा वै मूँह खोलन की भी कोई दिक्कत नहीं हुंदी और नॉर्मल डाइट जिहड़ी है वह लै सकता है। और जे उहदे च डेंटल इम्पलांट भी लगाए जाण ते उहदे नाल मरीज़ जिहड़ा है वह बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल तरीके दे नाल खा सकता है। मेरा नाम सुनील मंगलानी है। मेरी कहानी शुरू होती है नवंबर 2019 से, जबकि मेरे दांतों में दर्द हुआ। मैंने चेकअप करवाया, चेकअप करवाने के बाद पता चला कि मुझे ट्यूमर है, बट नॉन कैंसर था इसलिए चलो बचाव हो गया। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मैंने 3 दिसंबर 2019 को एक अच्छे हॉस्पिटल से सर्जरी करवाई। ट्यूमर तो सक्सेसफुल निकल गया, बट जो प्लास्टिक सर्जन वाला काम था वो सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरी उन्होंने जो प्लेट डाली, प्लेट चिन से बाहर आ गई, इधर से पेच गिर गया। आई वॉज हाईली डिससेटिस्फाइड विद द सर्जन, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर। चलो एनी वे घर आया, 2 साल बहुत देखा किससे दोबारा सर्जरी करवा सकते हैं। एट लास्ट मुझे डॉक्टर रवि महाजन का किसी ने रेफरेंस दिया और उधर मैं गया, कंसल्ट किया। फिर भी मैं बहुत डर रहा था, पर मैं चलो मैंने सोचा होगा मैंने सर्जरी करवानी है। करवाने के बाद फिर मेरी सर्जरी की अपॉइंटमेंट हुई, सर्जरी हुई मेरी, इट वॉज़ ए हाईली सक्सेसफुल सर्जरी। मैं डॉक्टर रवि महाजन का थैंक्स करना चाहता हूँ और उनकी टीम का भी। हॉस्पिटल का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, मेरा स्टे 11 दिन का इधर बहुत अच्छा रहा, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो मेरी पहली सर्जरी हुई थी उससे मुझे मेरा मुँह खुलना बंद हो गया था, सिर्फ एक ये फिंगर मेरी मुँह के अंदर भी नहीं जाना मुश्किल हो गई थी। पर जब से मैंने अमनदीप हॉस्पिटल डॉक्टर रवि महाजन से सर्जरी करवाई है, मैं खा भी सकता हूँ पूरी जगह और इवन गोलगप्पा भी खा सकता हूँ, जो कि सबसे मुश्किल है, पहले खाया ही जाता था। सबसे बड़ी थैंक यू सो मच।